Assalamu alaikum, welcome Dental Box. Hope you all are doing good. This is a video regarding general pathology. Before jumping on to oral pathology, I just want to touch the few topics from general path as these are very important topic. In this video, I'm going to explain immunity, inflammation, shock, neoplasia, infarction, necrosis, apoptosis and pathological calcification. Agar aap logon ne journal path खोलने का नहीं भी प्लान किया तो इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एक क्विक रिव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑफ ओरल पैथोलॉजी दैट विल इंक्लूड द क्लिनिकल सिनेरियोस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डू गिव मी योर फीडबैक, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू सो मच। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स ऑफ जर्नल पैथोलॉजी, हम लोगों को ये जो वैल्यूज हैं बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉमनली पूछे जाती हैं, ठीक है, इंटरव्यू सर्वाइवर में कि WBC की क्या कितने होते हैं नंबर, क्या काउंट WBC का, ठीक है। ये मेल के लिए डिफरेंट होता है और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। ये आप लोगों ने किसी तरह से रट्टा लगा लें, बस ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेल हमारे पास 4.3 to 5.9 million होता है पर mm³, ठीक है, और फीमेल हमारे पास है 3.5 to 5.5, ठीक है, मिलियन पर mm³। ये आप लोगों ने वैल्यूज़ रट लेनी है किसी भी तरह से, पर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। WBCM अकाउंट हमारे पास होता है 4500 to 11,000 पर mm³, ठीक है। और प्लेटलेट काउंट जो हमारे पास होता है वो होता है 150,000 to 400,000 पर mm³, ठीक है। और रह गया बस हेमोग्लोबिन काउंट, भी आप लोगों को पता होना चाहिए हेमोग्लोबिन काउंट जो कि होता है मेल में 13.7 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, दिस आर फॉर मेल। और फीमेल में होता है हमारे पास 12.0 to 16.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट, एज द नेम इज सेइंग इननेट, इट इज़ इनबॉर्न, राइट, और अडैप्टिव, ठीक है, ये होगी इननेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी। जो अडैप्टिव इम्यूनिटी वो फर्दर डिवाइडेड है इंटू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के दो मेन टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइड इनटू एक्टिव एंड पैसिव। अब इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं और नेटिव भी कहते हैं, ठीक है, वाइल अडैप्टिव इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड और स्पेसिफिक, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इनके कॉम्पोनेंट्स, रिस्पॉन्स और सिक्रेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस इसलिए हम डिस्कस करें टॉपिक के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं इम्यूनिटी वगैरह, हमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन से हैं इनेट इम्यूनिटी के। हम लोग यहाँ इनके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, दोनों के कॉम्पोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं कितने टाइम में होता है और कौन कौन से सिक्रेटेड प्रोटीन्स या कौन से एक्टिव एजेंट्स होते हैं इसमें। सिक्रेटेड प्रोटीन्स देख लेते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में जो कंपोनेंट्स हैं वो है न्यूट्रोफिल होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, नेचुरल किलर सेल होता है, न्यूट्रोफिल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। इनेट इज इनबॉर्न, ठीक है। इनेट का आप ऐसे याद रख लें एन और एम। न्यूट्रोफिल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, तो मैक्रोफेजेस होते हैं इसके कंपोनेंट्स इसके ये हैं, जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी कंपोनेंट्स में ये अक्वायर्ड है ना, अडैप्टिव इम्यूनिटी बाद में कोई स्पेसिफिक एक्सपोजर के बाद डेवलप होती है, तो इसमें हमारे पास सेल्स यूज़ होते हैं बॉडी के, टी सेल आते हैं इसमें और बी सेल होते हैं, ठीक है, ये यूज़ होते हैं इसमें, या सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। आप इसका रिस्पांस देख लेते हैं। ये इसका जो इननेट है ये हमारी बॉडी में पहले ही है, नेचुरल है ना, तो इसका विद इन मिनट्स होगा इसका इफेक्ट, बहुत जल्दी इसका इफेक्ट होगा विद इन मिनट्स और आवर्स, जबकि इसने डेवलप होना है अभी, ठीक है, एक्सपोजर के बाद डेवलप हो तो इसका जो है ना टाइम वो थोड़ा रिस्पॉन्स का थोड़ा लंबा टाइम होता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, मंथ्स और ईयर्स में होता है इसका, ठीक हो गया। अब सिक्रेटेड प्रोटीन्स कौन से हैं इसमें, अब कौन कौन से प्रोटीन सिक्रीट होंगे वो आप देखने, इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं,
और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जबकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये बहुत आसान है। इम्यूनिटी का आपको किसी को मतलब पूछा गया इंटरव्यू बताना कि इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल किलर सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। रिस्पॉन्स विद इन मिनट्स और आर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट, इसको हम नेचुरल भी कहते हैं और नेटिव भी कहते हैं, ठीक है। सीक्रेट प्रोटीन लाइसोजाइम्स कॉम्प्लीमेंट जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव को, ठीक है, इधर ही बना लेते हैं, इधर ही नीचे ही बना देती हूँ मैं। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ हम देख लेते हैं पैसिव कौन सी होती है और एक्टिव कौन सी होती है। अब पैसिव जो उनसी होती है ना, उसको उस वो पैसिव, उसमें हम प्री फॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज़ डालते हैं, ठीक है, प्री फॉर्म्ड बनी हुई पहले से, ठीक है। और जब एक्टिव ये होती है कि इसको हम एक्सपोजर करवाते हैं एंटीजन का, फिर एंटीबॉडी बनती है। एक्टिव है ना मतलब खुद कोई काम कर रही है, खुद से बना रही है। पैसिव है कि सोच से पड़ी हुई है, उसमें हम खुद डाल रहे हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डलती हैं और एक्टिव जो है जल्दी जल्दी से एक्सपोजर करवाया है, इसको हमने खुद से बनाई है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है, बहुत आसान है याद रखना। इनेट बॉडी में बनी हुई है, अडैप्टिव एक्सपोजर के बाद बनेंगे। अडैप्टिव के दो टाइप्स हैं, या प्री फॉर्म डाल दो, पैसिव है जो कि बहुत लेजी है, उसमें प्री फॉर्म डाली है, एक्टिव ने खुद से एक्सपोजर लिया है और फिर हम लोग उसने खुद बनाई है एंटीबॉडीज, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब देखें इधर मैं बताती हूँ आपको एक्टिव और पैसिव का। ये था हमारे पास अडैप्टिव इम्यूनिटी डिवाइडेड इंटू पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव में हम लोगों ने किया है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डाली हैं, ठीक हो गया, जबकि एक्टिव में हम उसने एक्सपोजर हुआ है उसको टू एंटीजन और उसने फिर एंटीबॉडीज़ खुद से बनाई हैं, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है रैपिड होगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ आ गई, वो आराम से फाइट कर लेगा, जबकि इसने भी एंटीबॉडीज़ बनानी है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स स्लो होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट स्पैन के लिए होता है इफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, क्योंकि वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं ना। इसका लॉन्ग टाइम के लिए होता है इफेक्ट, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बन चुके होते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल में पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल में क्या है, IgA बड़ी कॉमन एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क से आ रहा है, ये जो बेबीज़ में होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, IgA उनको मिल जाता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, ठीक है। और IgG एंटीबॉडी उनके पास आ जाती है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक हो गया। अब इसमें जो सी है जो एक्टिव में, उसमें जो वैसे कोई नेचुरली जो इन्फेक्शन होता है, जो नेचुरल इन्फेक्शन उसके उसके बाद बॉडी एक्टिव इम्यूनिटी से गुजरती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है, वैक्सीन जो हम देते हैं, ठीक है, या टॉक्साइड्स वगैरह, बस एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको अडैप्टिव इम्यूनिटी को ना हम साइलेंट भी कहते हैं, कि ये साइलेंट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही से अडैप्ट कर जाती है उस इन्फेक्शन के सिचुएशन को और फिर एक्टिव होती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है उस तरह से, ठीक है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका इम्यूनिटी के बारे में बहुत क्लियर हो गया होगा। इम्यूनिटी बहुत आसान है, इसको एक्सप्लेन करना, इनेट इम्यूनिटी एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है, इनेट इम्यूनिटी का हमारे वो एक्ट करती है एपिथेलियल सर्फेसिस के थ्रू, जो कि स्किन में है, ठीक है, स्किन में मैकेनिकल बैरियर्स हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, वहाँ पर उनको आगे नहीं जाने देते। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में हमारे पास मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर जाके ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल उसमें ट्रैक में भी हमारे पास एसिडिक पीएच होती है, जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इनेट, इधर ही लिख लेते हैं एक मिनट, ये जो इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म इधर लिख लेते हैं कि कैसे ये एक्ट करती है। ये एक तो स्किन के थ्रू, स्किन में जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, हमारे पास स्किन की मैकेनिकल बैरियर बन जाती है, हमारी स्किन एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, स्किन होगी। फिर हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें हमारे पास जो है ना मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, वो नहीं जाने देती आगे, वहाँ पे ट्रैप कर लेती है मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे पास इंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाते हैं,
इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होता है, हमारे पास जो पीएच है वो एसिडिक होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस के पीएच होती है, तो वो बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो ही नहीं करने देती, रहने नहीं देती, ठीक है। और फिर वापस आ जाता है कंजक्टाइवा, या बस इनेट इम्यूनिटी है सारी। इसमें क्या होता है कि जो टीयर्स है ना वो बाहर निकाल देते हैं जो भी फॉरन चीज़ आती है उसका, या लाइसोजाइम्स जो होता है उसके अंदर, टीयर्स के अंदर वो उसका बैक्टीरियल सेटल एक्शन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, वो भी बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं वाया यूरिन, ठीक है। ऐसे हमारी इनेट इम्यूनिटी एक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी में बस आ जाते हैं जो फैक्टर्स, वो स्किन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है, कंजक्टाइवा है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्स हैं, ठीक है। और इनेट और इम्यूनिटी में बस एक इनेट इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ये एक क्लासिफिकेशन एक है, लोकल और हर्ड इम्यूनिटी भी होती है। जो लोकल इम्यूनिटी होती है ना वो नेचुरल इन्फेक्शंस और जो वैक्सीन्स हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस को कहते हैं। जो हर्ड इम्यूनिटी है वो पूरी हम ओवरऑल इम्यूनिटी चेक करते हैं कम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। जैसे कोई एपिडेमिक वगैरह भी जब कोरोना आया हुआ था, मतलब इस सिचुएशन में वो बड़ा काम करती है, ठीक है। लोकल इम्यूनिटी तो हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह की इम्यूनिटी देती है जहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं, गट का म्यूकोजा हो गया वहाँ की इम्यूनिटी, या नेजल म्यूकोजा की इम्यूनिटी देती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर इम्यूनिटी। आई होप कि बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बस जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इज़ इनबॉर्न नेटिव, एंड अडेप्टिव इज़ आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। इट इज़ साइलेंट प्रोसेस, इसमें एंटीजन से एक्सपोजर होता है फिर एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक हो गया। इसमें पास आ जाते हैं स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा वगैरह। और जो एक्टिव और पैसिव की बात कर लेते हैं, एक्टिव में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज डालते हैं, जबकि सॉरी पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडीज डालते हैं, जबकि एक्टिव में एक्सपोजर होता है और फिर स्लो प्रोसेस होता है और फिर लॉन्ग टाइम के लिए वो रहता है, ठीक है। इसकी पैसिव की एग्जाम्पल IgA है और IgG है। दिस इज़ ऑल फॉर इम्यूनिटी। मूविंग टूवर्ड्स हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप वन इज एनाफाइलेक्टिक टाइप, ठीक है, जिसमें IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और वो फिर जाके रिलीज करती है रिस्पेक्टिव एमाइंस को मास्ट सेल्स, और फिर इन्फ्लेमेशन आगे होती है, ठीक है। जो टाइप टू है वहाँ पास आ जाती है साइटोटॉक्सिक टाइप, इसमें प्रोडक्शन होती है IgG की और IgM की, ठीक है। और अगली हमारे पास आ जाती है टाइप 3, दैट इज़ इम्यून मीडिएटेड, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, ठीक है। इसमें डेपोजिशन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वगैरह के, फिर वो आगे एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है इसमें। फिर लास्ट हमारे पास आ जाती है सेल मीडिएटेड टाइप, ठीक है, इसको हम डिलेट कहते हैं, और डिलेट कहते हैं सेल में जो डिलेट टाइप होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू ये फंक्शन करते हैं, टी लिम्फोसाइट के थ्रू। इसका निमोनिक ऐसे है एनाफाइलेक्टिक, साइटोक्सिक, इम्यून मीडिएटेड एंड डिलेट, ठीक है। ये सारे एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, फर्स्ट थ्री और लास्ट वाला नहीं होता, ये बात याद रखनी है। फर्स्ट थ्री आर एंटीबॉडी मीडिएटेड। दिस इज ऑल फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। मूविंग टूवर्ड्स इन्फ्लेमेशन, विल लर्न वट एक्चुअल इन्फ्लेमेशन इज, वट इज़ द डेफिनेशंस, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वट आर द टू टाइप्स, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक, वट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड वट आर द कार्डिनल साइंस, ठीक है। इतना ही बहुत इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है ना, तो हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्यों होता है ये? उस डैमेज टिश्यू को या जो भी इंजरी हुई है ना उसको ख़त्म करने के लिए ये होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ये रिपेयर करता है उस इंजरी को या डैमेज टिश्यू को, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स एक हमारे सर्वाइवल होस्ट, मतलब जो लिविंग टिश्यू में जब भी कोई मसला होता है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन एक्टिव ज़रूर होती है, अगर तुम्हारा नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है बॉडी का, ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी बेसिक चीज़ें देखते हैं। होता कि ये हम करते हैं, इट is used to eliminate the cause of tissue damage, ठीक है, ये हो गया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिपेयर इंजर्ड और डैमेज्ड टिश्यू, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ होस्ट। इन्फ्लेमेशन इज necessary for survival of host. It is the innate defense mechanism of our body, right? This is inborn, this is natural, right? अगर तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो हमारी बॉडी फाइट भी नहीं कर सकती उस स्पेसिफिक
फॉरेन एजेंट के साथ और ना ही उसको एलिमिनेट कर सकती है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू लोकल इंजरी और द टिश्यू डैमेज. राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कॉजेस. कॉजेज वी हैव कॉज रिलेटेड टू द लिविंग टिश्यू और द नॉन लिविंग टिश्यू. It might be bacteria that activate inflammation because it's a foreign agent. It might be virus. It might be fungi, protozoa, parasite, or mycoplasma. These are all the living causes, while the non-living are the radiation, heat, any chemical agent, any idiopathic cause, any foreign body or trauma. These are the non-living causes or these are the living causes. Now moving towards the cardinal signs of inflammation that are very important to remember. Cardinal signs include signs. They include rubor, calor, dolor, and functionalism. Rubor is the redness, calor is the heat, dolor is the pain, and functionalism is a loss of function. I hope I am pronouncing it correctly. यहाँ पे कार्डिनल साइंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देख लिया था रूबर, कैलर, डेलर और फंक्शनलिसिया. ठीक है, रूबर इज रेडनेस होती है. रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वेजो डायलेशन हुई हुई होती है. ठीक है, वेजो डायलेशन हुई हुई होती है क्योंकि रिलीज ऑफ मीडिएटर्स होते हैं. मीडिएटर्स वगैरह रिलीज होते तो वेजो डायलेशन हो जाती है. ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, इसलिए रेडनेस हो जाती है. देन कम्स कैलर. कैलर का मतलब होता है हीट. ठीक है, हीट क्यों होती है? क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई हुई हुई होती है उस जगह पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उस जगह की इंक्रीज हुई हुई होती है. ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी. देन कम्स द डॉलर. इट इज़ पेन. इट इज़ पेन. ठीक है, पेन पेन क्यों होती है? क्योंकि मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं ना, वो जाके नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं. नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्यूमर. वो हमने यहाँ नहीं लिखा, स्वेलिंग आ जाती है. ट्यूमर और स्वेलिंग और फंक्शनलिज़ा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाते हैं. ठीक है, और ट्यूमर और स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि जब वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है ना, तो वहाँ पे एडिमा भी हो सकता है और पस भी बन सकती है. ठीक है, जब इंक्रीज वेस्कुलरिटी है, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड्स की. ठीक है, अब एक्यूमुलेशन एज एन एडिमा भी हो सकती है, ठीक है, और एज अ पस भी हो सकती है. पस के अंदर सारे एक्जुडेटिव फ्लूइड होता है, और एडिमा के अंदर फ्लूइड हमारा इंटेस्टाइनल या किसी भी कैविटी के अंदर फिल्ड होता है ना, उसको हम एडिमा की फॉर्म कहते हैं कि एडिमा हो गया. ठीक है, this is all the cardinal signs of inflammation. Okay, now moving towards the shock. What is shock? It is the hyperperfusion of tissue due to decreased cardiac output and decreased effective circulating blood volume that led to impaired tissue perfusion and cellular hypoxia. In shock we have adequate delivery of oxygen nutrients to the tissues, right? What is pathophysiology of shock? What happens? There is a decreased effective circulating blood volume, right? Decrease circulating blood volume, then we have decreased venous return. Obviously we have a decreased venous return to heart. There is decreased venous return to heart. There is a decreased cardiac output. There is a decreased supply of oxygen, and there is anoxia, and the body is in shock. This is a pathophysiology of shock. Now what is the clinical features of shock? In shock the patient appear as, in clinical feature, there is a hypotension, there is hypotension, there is tachycardia, there is a cold or clammy skin, rapid shallow
देर इज शैलो रेस्पायरेशन राइट देर माइट बी मल्टी ऑर्गन फेलियर ड्यू टू शॉक दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स नाउ हाउ टू मैनेज वी हैव टू मैनेज बाय ए बी सी एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इफ द पेशेंट कम्स टू यू after trauma then we have to follow a b c d e that is airway breathing circulation disability and exposure now we'll move toward the types of shock there are four different types of shock we have hypovolemic shock as the name said due to the decrease in the volume then we have cardiogenic shock that is defect in the pump of the heart then we have obstructive shock that is might due to any obstruction that is pulmonary embolism or cardiac tamponade or others then we have distributive shock that is a subtype that involves the septic neurogenic and anaphylactic shock in hypovolemic shock what happens it might be hemorrhagic or non hemorrhagic right what happens in cardiogenic it is due to the defect in heart pump mostly it is in the left ventricular wire what happens in obstructive there might be due to any obstruction that is pulmonary embolism or cardiac tamponade while distributive shock further involves septic shock neurogenic shock or anaphylactic shock hypovolemic shock hemorrhagic or non-hemorrhagic in hemorrhagic it might involve blood vessels right while the non-hemorrhagic involves the loss of volume due to any trauma that is burn or fluid loss due to vomiting or diarrhea while hemorrhagic involved there might be rupture of any blood vessel rupture this is all the types of shock now we'll discuss that due to low flow we have hypovolemic cardiogenic and obstructive and due to low peripheral alveolar resistance we have septic shock we have anaphylactic or neurogenic these are all the examples all the types of distributive moving towards cellular adaptation there are two different types of cellular adaptation we have physiological cellular adaptation or pathological cellular adaptations what happens in physiological it is mostly due to the hormones and chemical mediators right while that pathological it is due to stress different adaptations are hypertrophy hyperplasia atrophy dysplasia metaplasia neoplasia and anaplasia what happens in hypertrophy as the name suggests there is increase in size of cell right while in hyperplasia there is increase in number right in hypertrophy what happens there is increase in size increase in size while in hyperplasia there is increase in number right now what is atrophy atrophy is decrease in the size of mass and there is a decrease in size and number both right now what is dysplasia there is an abnormal proliferation there is abnormal proliferation of cell there is no proper size there is no proper shape and there is no proper orientation right now comes the metaplasia in metaplasia there is a replacement of one cell type by another there is a replacement of one cell type by another right
दिस इज मेटाप्लेजिया. नाउ व्हाट इज न्यूप्लेजिया? न्यूप्लेजिया इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, राइट? दिस इज एबनॉर्मल, दिस इज अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन. Okay, then comes the anaplasia. Anaplasia, there is a complete lack of differentiation, right? Anaplasia, there is lack of differentiation. This is the basics. Now we move towards studying the cellular adaptation, cellular changes. We'll move towards the anaplasia. What actually anaplasia is? Anaplasia is a process of new growth, right? And new growth is known as neoplasm. That new growth is known as neoplasm. Oncology, it is the study of tumors. Study of tumors. While cancer mostly is the study or term for the malignant tumors, right? We have two different types of neoplasia, that is the benign and malignant. What is benign? Benign is localized, right? It do not spread. It do not spread. And it is often treated by the surgical removal, amenable to surgical removal. The benign tumors mostly end with word oma. Right, as we have adenoma, papilloma, and it is a mesenchymal in origin. Now moving towards the malignant one, malignant ones, they invade and destroy the adjacent structures as they have the property of metastasis, right? They spread to the distant spaces to cause death. Now they are not localized, they do spread, and they mostly not treated by simple surgery. They need chemotherapy, radiotherapy, and other procedures, right? And they end with, they are epithelial in origin, like squamous cell carcinoma. So the different phases of the malignant tumor, these phases involve, first of all, there is a malignant change in the target tissue. After that, there is a transformation phase. After that transformation phase, there is a growth of that transformed tissue. Growth of transformed tissue or cell. Then there is a local invasion and then spread to the distant spaces. Distant metastasis, right? Now we'll also see neoplastic progression, how neoplasm takes place. First of all, there is a normal cell. Normal cell undergo a dysplastic changes. Then it undergo carcinoma in situ or a pre-invasive stage, right? Then it undergoes invasive stage of carcinoma in which the basal membrane breaches, and then we have metastasis. What happens in carcinoma in situ? There is neoplastic cells do not invade the basement membrane, right? This is the basement membrane is not invaded. These are the cells. They do not invade the basement membrane, right? What happens in invasive carcinoma? They invade the basement membrane, right? They invade the basement membrane, and then in metastasis, it then spread to the hair. Invasion takes place and now it spread to different tissues or the via blood or lymphatics, right? This is what the normal procedure of the progression of a neoplasm. Okay, now moving towards the other topic, that is infarct or infarction. Infarct actually is an area of ischemic necrosis that is caused by the occlusion of vascular supply to that specific area or affected area. Vascular supply. Affected area. That specific area is known as infarct, and the whole process is known as infarction. We have two types of infarct. We have red infarct and we have white infarct. As the name suggests, red. It is hemorrhagic and this one is anemic. This is hemorrhagic infarct and this is anemic infarct.
What happens in this? This is due to the venous occlusion, and this is due to the arterial occlusion. Red infarct mostly happens in loose tissues, and this in solid or compact. In solid or compact organs, right? The example of the red infarct, it takes place in the organs that have a collateral circulation. That have collateral circulation, that is spleen, that involves kidney, that involves heart or brain. While the white infarct, it takes place in the organ that have a dual circulation. Dual circulation. It involves lungs and small intestine. This is all for infarct. Okay, now moving towards the necrosis and apoptosis. हम इन दोनों में difference देख लेते हैं क्या होता है. होते दोनों दोनों cell death ही हैं, ठीक है. तो ये किस तरह से differ करते हैं और क्या scene होता है इसमें, ठीक है. देखें, ये cell death दोनों में होती है, ठीक है. necrosis में भी, apoptosis में भी. जो normal death होती है उसको हम necrosis कहते हैं, ठीक है. और जब खुद से kill कर दिया जाता है वो cell, ठीक है, kill itself, उसको हम apoptosis कहते हैं, ठीक है. जब नॉर्मली कोई सेल की डेथ हो उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, और अगर ख़ुद से ही उस सेल को मार दिया जाए उसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है. नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में डिफरेंस हम लोग देखते हैं. अभी इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है. क्या कॉजेज होते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, माइक्रोस्कोपिकली क्या चेंजेस आते हैं, क्या फेट और उनके कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है. इससे पहले हम लोग मूव करते हैं नेक्रोसिस की तरफ, साथ साथ दोनों को करते हैं हम लोग. अच्छा, अब इसमें है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस होता क्या है? नेक्रोसिस में एंजाइम की डिग्रेडेशन होती है. आसान है याद करना, एंजाइम की होती है डिग्रेडेशन, ठीक है. और प्रोटीन की डीनेचुरेशन, और प्रोटीन की डीनेचुरेशन. यहाँ हम सिर्फ पहले ना नेक्रोसिस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. एंजाइम की डिग्रेडेशन और प्रोटीन की डीनेचुरेशन, ठीक हो गया. वाई? ड्यू टू एग्जोजनस इंजरी, ठीक हो गया. इसमें जब सेल की डेथ होती है ना, तो मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी लॉस हो जाती है, ठीक है. सेल डेथ ड्यू टू लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, ठीक है. जब नेक्रोसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक चेंज भी आते हैं हमारे पास, और न्यूक्लियर चेंजेस भी आते हैं, ठीक है. अब साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या होता है कि हमारे पास जो माइलिन फाइबर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं. एक मिनट, ये यूज़ करते हैं. इसमें जो है ना माइलिन फिगर्स वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ये साइटोप्लाज्मिक में, ठीक है. इंक्रीज इओजिनोफिलिया, ठीक है. और न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होते हैं, जबकि डीएनए सारा ब्रेक डाउन हो गया है ना, तो इसमें यहाँ बस होता है कारियोलाइसिस, पाइकनोसिस एंड कारियोहेक्सिस. पाइकनोसिस इज न्यूक्लियर श्रिंकेज एंड कारियोहेक्सिस इज फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है. ये होता है एक्चुअल नेक्रोसिस में, ठीक है. एंजाइम की डिग्रेडेशन हो जाती है, प्रोटीन की डिनेचुरेशन हो जाती है, और लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी हो जाता है, ठीक है. एक्सोजनस इंजरी की वजह साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आते हैं और न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, ठीक है. हमने इसको ब्रॉडली देख लिया. हम ऐसे ही थोड़ा सा ब्रॉडली देख लेते हैं अपोप्टोसिस को, ठीक है. ये जनरल कॉन्सेप्ट बना लेना, इसका डिफरेंस हम लोग बनाते हैं टेबल में, ठीक है. अब हम देख लेते हैं अपोप्टोसिस इसमें क्या होता है. इसमें ये होता है कि सेल के अपने ही एंजाइम्स एक्टिवेट होकर अपने ही सेल के डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है. मतलब मैं यहाँ पहले ही बताना ना कि जो खुद से ही खुद को मार देते हैं वो अपोप्टोसिस होता है. इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं जो कि डिग्रेड कर देते हैं अपने ही सेल के डीएनए को. उन्होंने डिग्रेड कर दिया डीएनए को और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को, न्यूक्लियस के डीएनए की और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, सॉरी डीनेचर डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है. ऐसे एंजाइम्स उसी सेल के अंदर से निकलते हैं और उसी सेल के डीएनए को और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है. अब ये इसमें है कि दोनों पाथवे इसमें ना अपोप्टोसिस में दोनों एक्टिवेट होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी एंड इंट्रिंसिक पाथवे भी. दोनों पाथवे एक्टिवेट होंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे.
दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कैस पेजेस को, ठीक है। जब कैस पेजेस एक्टिवेट होता है ना, तो फिर सेलुलर ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, सेलुलर ब्रेकडाउन, जब सेलुलर ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है, सेल की श्रिंकेज हो जाती है, ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होती है, ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ हो जाती है अपोप्टोटिक बॉडीज, अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। इतना से याद रखने के, इसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जब एक्टिव, जब सेलुलर डीएनए डिग्रेड हो गया ना उसी सेल का, तो फिर क्या होता है, दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कैस्पेसिस को एक्टिवेट करते हैं, जो कि सेलुलर ब्रेकडाउन करते हैं, सेलुलर ब्रेकडाउन पर अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, फिर वो बाद में फेगोसाइटोज हो जाती हैं, ठीक है। आई होप के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बन गया। अब हम इसका ना डिफरेंस देख लें, दोनों का इकट्ठे लिख के टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं। अपोप्टोसिस, इसमें सेल के अपने अंदर से एंजाइम निकलता है, अपने ही सेल के डीएनए को डिग्रेड करते हैं वो लोग, साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स को, उस पर कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं, और कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि वो सेलुलर ब्रेकडाउन करते हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज बनती है और फेगोसाइटोस हो जाते हैं, ठीक है। हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं न्यूक्रोसिस और अपोप्टोसिस में डिफरेंस, ठीक है। पहले हम लोगों थोड़ा सा डिटेल में देख लिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग देख लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे ना, तो हम लोग बहुत सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्रोसिस हमने पहले भी देखा था, नेक्रोसिस क्या होता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, प्रोटीन की डिनेचुरेशन ड्यू टू एक्सोजनस इंजरी, ठीक है। जबकि अपोप्टोसिस क्या होता है, पाथवे ऑफ सेल डेथ इन विच सेल एक्टिवेट एंजाइम्स दैट डिग्रेड सेल्स ओन न्यूक्लियर डीएनए एंड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ठीक है, डिग्रेड हो जाते हैं। कॉजेज में हमारे पास क्या आता है, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शंस, केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज, जेनेटिक कॉजेज या इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, ठीक है। देन कम्स द कॉजेज ऑफ अपोप्टोसिस, द कॉजेज में भी फिजियोलॉजिकल कॉजेज और पैथोलॉजिकल कॉजेज। पैथोलॉजिकल कॉजेज इंक्लूड, वी हैव एचआईवी, एड्स, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, राइट, दीज आर पैथोलॉजिकल कॉजेज। इन फिजोलॉजिकल कॉजेज वी हैव लैक्टेशन, मेनोपॉज और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देन कम्स द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, गैसियस नेक्रोसिस, एंड दीज आर ऑल टाइप्स, राइट। देन कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस, मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, राइट, वेल दैट ऑफ अपोप्टोसिस इज एनर्जी डिपेंडेंट, राइट, एनर्जी डिपेंडेंट। Then comes the fate. What happens after necrosis? Then might be inflammation, that might be capsulation or calcifications. While in apoptosis, there is phagocytosis. Then we study the features of necrosis microscopically. There are large cells with lost cell membrane. Cytoplasts appear acidophilic, while nucleus undergoing pycnosis, karyohexis or karyolysis. While in the apoptosis, what happens? There are small cells under microscope with intact cell membrane. This is a very differentiating feature, that in necrosis, the membrane, cell membrane is lost, while in apoptosis, the cell membrane is intact. With acidophilic nucleus, it is acidophilic cytoplasm and nucleus appears fragmented, right? होप सो कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया हो, और इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से मैंने ये टेबलेटेड फॉर्म बनाई है, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, एज द नेम सजेस्ट, पैथोलॉजिकल सम एबनॉर्मलिटी एंड कैल्सिफिकेशन, समथिंग रॉन्ग विद द कैल्शियम लेवल्स, राइट। What happens in pathological calcification? There is an abnormal deposition of calcium along with other salts that are magnesium, iron, and other minerals. Right? It's an abnormal deposition of calcium, salts with small amount of iron, magnesium and other minerals, right? दो टाइप्स होते हैं बस पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशंस की। टाइप्स आर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक। डी इज फॉर डेथ और डाइंग, राइट।
What happens in dystrophic calcification? It is the deposition of calcium in the dead or dying tissue is known as dystrophic calcification. Deposition of calcium in dead or dying tissue. Right? While the deposition of salts or the calcium in the normal tissue is metastatic calcification. Deposition in the नॉर्मल टिश्यू इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. ठीक हो गया. ये हमारे पास बेसिक इसका देख लिया हमने कि होता क्या. हम देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का कॉज होता है नेक्रोसिस, जैसे हम पढ़ा है कि डेड और डाइंग टिश्यू में होता है, इन्फार्क्ट्स में, थ्रोम्बाई और ओल्ड स्कार्स. वेल द कॉजेज ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आर हाइपरपैराथायरायडिज्म एज पैराथायरॉयड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन. ठीक है, ये कॉजेज हो जाते हैं हमारे पास. उसके बाद हम देखते हैं कि होता मोस्टली कहाँ कहाँ पे है ना, किस किस जगह पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है हमारे पास जो जब केशियस नेक्रोसिस होता है ना, जो कि टीबी में होता है. ठीक है, ये लीक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस में होता है जो कि एब्सेस वगैरह में होता है, क्रॉनिक एब्सेस में. ठीक है, या ये इन्फार्क्ट्स में जब होता है ना तभी होता है, इन्फार्क्ट्स वगैरह की जगह पे. जबकि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यूज में होते हैं, इसमें पास आ जाती हैं किडनी, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कॉर्निया और स्टमक वगैरह. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन.